उदयपुर वाटी के वरिष्ठ भाजपा नेता ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में उदयपुर वाटी भाजपा नेता रामनिवास सैनी, सीकर में राहुल गांधी यात्रा को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में भाजपा नेता रामनिवास सैनी ने कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। रामनिवास सैनी उदयपुर वाटी विधानसभा से भाजपा के 2 बार प्रत्याशी रहे हैं, जिनमें 1998 में उनको 28,000 मत प्राप्त हुए थे तथा 2003 में भाजपा प्रत्याशी के रूप में 33,000 मत प्राप्त हुए थे तथा 2 बार नगर पालिका के पार्षद रह चुके हैं। वो 2005 में पंचायत समिति सदस्य उदयपुर वाटी रह चुके हैं। रामनिवास सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार के नेताओं को देख लिया है, भाजपा सरकार में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का कोई सम्मान नहीं है। भाजपा सरकार वसुंधरा की मुट्ठी की सरकार बनकर रह गई है। मैंने सही समय पर निर्णय लेके कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं की मौजूदगी में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस मीटिंग में राजस्थान कांग्रेस प्रभारी निजामुद्दीन काजी कांग्रेस, झुंझुनू जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला, पूर्व विधायक रीटा चौधरी, पूर्व मंत्री सुभाष महरिया, विधायक विजेंद्र सिंह झुंझुनू सहित आदि कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और उन्होंने जिन उद्देश्य के लिए ये पार्टी बनाई थी, वर्तमान में यह पार्टी उन उद्देश्यों को भूल गई है और अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें कार्यकर्ताओं का कहीं कोई मान सम्मान नहीं है। राजस्थान में माननीय भैरू सिंह जी शेखावत और घनश्याम जी तिवाड़ी के समय पार्टी में कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता था, कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलती थी, बड़े नेताओं की मुलाकात छोटे कार्यकर्ताओं से आसानी से हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब ये वसुंधरा की खुद की मुट्ठी की पार्टी हो गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है, कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैं भी पिछले 7-8 साल से पार्टी में इसी तरह की उपेक्षा का शिकार था। पार्टी के बड़े नेता जानबूझकर हमारी उपेक्षा करते थे, उस कारण से मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का फैसला किया है और मैंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है। कब किया कांग्रेस? मैंने विजयदशमी के दिन किया है। विजयदशमी के दिन मैंने बुराई के प्रतीक को छोड़ दिया और सत्य की ओर में चला हूँ।